एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ में 6-7 साल में टीम और 138 विद्यालयों की कॉल बनकर के तैयार थे, लेकिन 5 वर्षों से इन्होंने प्रारंभ नहीं किए और वो धूल खा रहे थे। जो ही हमारी जानकारी में आया, मंत्री बना तो हमने कहा कि योजना को सुधारो, हमको प्रारंभ करना है। तो उन्हें बच्चों के प्रवेश करवाकर और आज इन विद्यालयों को विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया है। आज से ही बच्चों की पढ़ाई कराने के निर्देश दे दिए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का ऐतिहासिक कदम था कि आदिवासी क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र में गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा देने के लिए और स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय प्रारंभ किए थे। मैं समझता हूँ जो आज सपना था बच्चों का, 5 सालों से भवन को देख रहे थे लेकिन उससे प्रवेश नहीं ले पा रहे थे, आज उन बच्चों का सपना साकार हो गया, पूरा हो गया। सर, लंबे समय से बिल्डिंगें बनके तैयार थी, क्या मंशा रही कि ये डेवलप नहीं हो पाई स्कूल? विद्यालय तो डेवलप थे, बिल्डिंग तो डेवलप थी, लेकिन बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया, पढ़ाई चालू नहीं की गई। पता नहीं क्यों कांग्रेस चाहती थी, क्योंकि गरीब बच्चे, गरीब माँ बाप के बच्चे अच्छी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा न प्राप्त कर सके, इसलिए उन पर रोक लगाई गई, उसमें बच्चों का एडमिशन नहीं किया गया और अध्यापकों को नहीं लगाया गया। जबकि डींग हाकते कि हमारे जो मदन दिला और शिक्षा मंत्री है, वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खिलवाड़ कांग्रेस ने की है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि 134 एक साल स्कूल शुरू हुई है आठवीं के लिए? हमने फर्नीचर वगैरह सब रेडी है, वहाँ किसी की कमी नहीं है। हमने ये छोटे मोटे काम होते उसके लिए कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए वो करेंगे।